हार उसे कबूल नहीं। उसने झट से अपने बदन के एक कपड़े को छीना, फाड़ा, चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। और चिल्लाने के साथ ही राजमहल में चारों तरफ से सिपाही दौड़े आए। बोले, क्या हुआ राजरानी? बोले, ये युवक, इसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ये देखो मेरे फटे हुए कपड़े, अपने बाल बिखेर लिए, रोने लगी। युवक घबरा गया, अरे ये क्या हो गया, मैं तो चारों तरफ से घिर गया। उसे लगा कि अगर मैंने कोई विरोध भी किया तो इस समय मेरे विरोध को कोई भी समझ ना पाएगा। गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। 2 दिन के बाद राजा नगर में आए और राजा ने जब यह सुना कि मेरे नगर के किसी युवक ने राजरानी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, राजा का क्रोध आसमान तक पहुंच गया। सीधे आए और अपनी राजसभा के बीच में उसे उपस्थित करने का आदेश दिया। कहा, क्या यह सच है कि तुमने बलात्कार करने की कोशिश की? युवक को लगा, क्या मुझे सच कह देना चाहिए? फिर लगा, अगर मैं सच कह भी दूंगा तो मेरी बात को मानेगा कौन? क्योंकि 100-100 सिपाहियों ने अपनी आंखों से राजरानी के फटे हुए कपड़े देख लिए थे। और दूसरी बात, अगर मैं सच कहूंगा भी और अगर किसी भी तरीके से सच अगर सिद्ध भी हो गया तो एक नगर की शोभा देश भर में कलंकित हो जाएगी कि एक राजरानी अपनी प्रजा के साथ इस तरह का गलत आचरण करने पर उतारू हो गई। नहीं, मुझे मौन रहना चाहिए। उसने कोई प्रतिक्रिया न की, मौन रहा। और राजा ने तब आदेश दे दिया कि इस युवक को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। आदेश दे दिया गया। अगले दिन सुबह उस युवक को गधे पर बिठा दिया गया, काला मुंह कर दिया गया, नगर भर से ले जाया गया। लोग उस पर थूक थूक करने लगे। जो कल तक सारे नगर में सबसे ज्यादा सुंदर युवक कहलाता था, आज उसी युवक को गधे पर बिठाकर काला मुंह करके ले जाया जा रहा था। युवक अपने नजरों को नीचे किए हुए चला जा रहा था। उसके मां बाप ने भी उसको देखा, विश्वास ना हो पाया कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। उसकी पत्नी ने भी देखा, पर युवक ने आंख के इशारे से कह दिया कि यह वक्त गमगीन होने का वक्त नहीं है, यह वक्त प्रभु को याद करने का वक्त है। क्योंकि प्रभु हर बेसहारे का सहारा बनते हैं, हर विपदा की घड़ी के संकट मोचक बना करते हैं। तुम उन पर विश्वास करो, घर में जाओ, मेरे लिए आंसू मत ढुलकाओ और प्रभु को मदद के लिए याद करो। घर वाली भी चली जाती है, राजा और राजरानी सूली के करीब आ जाते हैं। राजरानी भी सोचती है कि इसने मेरे मन की बात ना करी, अब इसको पता चलेगा, अब इसको पता चलेगा कि मेरा विरोध करने पर क्या परिणाम हुआ करता है। सूली की तैयारी हो गई, चंडाल ने सूली पूरी तरह से सजा दी। युवक को जैसे ही उठाया जाने लगा, युवक ने करबद्ध हो गया, हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और अपने मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण करने लगा, मंत्र का स्मरण करने लगा और अपने आप को उस दिव्य मंत्र के हवाले कर दिया, शरण कर दी। चंडाल उठा, युवक को उठाया और उठाकर सीधा सूली पर डाल दिया। लेकिन तभी न जाने कहां से एक ऐसी प्रकाश की किरण चमकती है कि सूली तो गायब हो जाती है और सूली के बदले में सोने का सिंहासन प्रकट हो जाता है। सूली तो गायब हो जाती है और सूली के बदले में सोने का सिंहासन आ जाता है। और उधर रानी जो अब तक गर्वोन्नत बनी हुई थी, उसका सारा शरीर काला हो जाता है और वो कुबड़ी की तरह वहां पर तड़फने लगती है, कराहने लगती है। राजा ये देखकर चौंक पड़ता है कि ये सारा क्या माजरा है, ये सारा क्या चमत्कार है। जैसे ही रानी ने अपने शरीर को देखा, उसे लगा कि उसे किए का प्रायश्चित करना होगा, लगता है भगवान ने उसके साथ न्याय कर डाला है और उसको कुबड़ी बना डाला है। वो तत्काल उस युवक के सामने गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मेरे पाप को माफ करो, मेरे अपराध को माफ करो। मैं नहीं जानती थी कि एक धार्मिक,
एक श्रद्धालु व्यक्ति के साथ किए गए इस तरह का प्रपंच का यह परिणाम होता है। गिड़गिड़ाने लगी। सुदर्शन युवक ने कहा, भाई बहन, मेरे मन में तुम्हारे प्रति किंचित भी रोष नहीं है। अगर तुम्हें अगर तुम्हारे किए का प्रायश्चित हो रहा है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हारे पापों को माफ कर डाले, वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर डाले। और जैसे ही उसने ये कहा कि कहने के साथ फिर चमत्कार हुआ और रानी जैसे पहले थी वैसी की वैसी दशा में आ गई। और तब रानी ने वहां पर भरी हुई प्रजा के बीच में यह घोषणा की कि ये युवक पूरी तरह से निर्दोष है, पापिनी मैं बनी थी, मेरी नजर दूषित हुई थी और मैं इस युवक के प्रति अपना दिल दे बैठी। राजा को जैसे ही सत्य का पता चलता है, राजा उस रानी का त्याग करना चाहता है, तभी युवक कहता है, राजन आपको ये कार्य शोभा नहीं देता, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु तू मुझे इतना सुंदर न बनाता कि राज रानी की दृष्टि भी मुझ पर दूषित हो गई। हे ईश्वर, अगर तू मुझसे ले सकता है तो मेरा ये सौंदर्य ले ले ताकि फिर कभी किसी और पराई औरत की नजर मुझ पर दूषित ना हो जाए। राजा ने कहा, ये सारी बात अब मेरे समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में ना आई कि तुमने कौन से मंत्र का स्मरण किया था कि जिस मंत्र के प्रभाव से ये सूली भी सोने का सिंहासन बन गई। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, राजन मैंने कोई और मंत्र का स्मरण न किया, मैंने सारे संकटों का नाश करने वाले रिद्धि समृद्धि के दाता, अष्ट सिद्धि और नव निधि का खजाना खोलने वाले महामंत्र नवकार का स्मरण किया था कि जिसके पुण्य प्रभाव से सूली भी सिंहासन बन गए। और तब राजा ने उस युवक का सम्मान करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि किसी भी दिव्य मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि सूली भी सोने का सिंहासन बन जाए। राजा ने तब उस युवक से मंत्र दीक्षा ली और उसके होठों से मंत्र श्रवण करके अपने जीवन में उस मंत्र को धारण किया। और तब राजा ने घोषणा की कि आज के बाद मेरे संपूर्ण राज्य और मेरे संपूर्ण देश का एक ही धर्म मंत्र होगा और वो है महामंत्र नवकार मंत्र। एक ही मंत्र होगा और वो है महामंत्र नवकार। महामंत्र नवकार नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह पड़बम हवई मंगलम। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवज्जायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोये सव्व साहुणम, लोकवर्ती समस्त साधु पुरुषों को हमारे नमस्कार हो। एसो पंच नमस्कार हो, ये पांच नमस्कार सव्व पावप्पणासनो हमारे सारे पापों का नाश करें। मंगलाणंच सव्वे सिम, सारे मंगलों में परमम हवई मंगलम, हमारा पहला मंगल करने वाला हो। ये महामंत्र नवकार अर्थ के लिहाज से देखें तो ये इसका सीधा सरल अर्थ हुआ, लेकिन अब तक करोड़ों करोड़ लोगों के द्वारा इस मंत्र का पाठ पारायण जाप स्मरण और ध्यान हुआ है। यदि किसी भी मंदिर की 100 साल तक अगर पूजा हो जाए तो मंदिर मंदिर नहीं रहता, वो मंदिर भी तीर्थ बन जाता है। और अगर किसी भी एक अक्षर का अगर हजारों हजार वर्ष तक स्मरण कर दिया जाए तो वो मंत्र वो अक्षर अक्षर नहीं रहते, वो उसका प्रत्येक अक्षर अपने आप में बीज मंत्र बन करके संसार का कल्याण करने वाले कल्प वृक्ष बन जाया करते हैं। नवकार मंत्र का प्रत्येक अक्षर
अपने आप में भीष्म मंत्र का कारक हो गया है। नवकार मंत्र में गिनती के आधार पर देखेंगे तो कुल 68 अक्षर हैं, पर ये 68 अक्षर केवल 68 अक्षर नहीं है, ये 68 अक्षरों का स्मरण करना अपने आप में 68 तीर्थों की यात्रा का पुण्य अर्जित करने के समान है। नवकार मंत्र का पहला पद है नमो अरिहंताणम, 7 अक्षर, नमो सिद्धाणम 5 अक्षर, नमो आयरियाणम 7 अक्षर, नमो उवज्जायाणम 7 अक्षर, नमो लोये सव्व साहुणम 9 अक्षर, और अगर इन 5 पदों के सारे अक्षरों को मिला दिया जाए तो अक्षर बनते हैं 35, 5 और 3 8, ये 35 अक्षर बराबर 8 का अंक, और 8 के अंक का मतलब होता है अष्ट मंगल, जो हमारे सारे मंगलों को सिद्ध कर डाले उसका नाम है नवकार महामंत्र। इसके बाद इसमें 33 अक्षर आते हैं, और ये 33 अक्षर एसो पंचणमुक्कारों से शुरू होते हैं और परमम हवई मंगलम पर जाकर पूरे होते हैं। ये 33 अक्षर 3 और 3, ये हमें प्रेरणा देते हैं कि जिस तरह से 3 के साथ 3 जुड़ जाए तो 33 बन जाते हैं, पर अगर 3 और 3 के बीच में अगर प्लस का निशान लगा दिया तो 6 हो जाएंगे, इनटू का निशान लगा दिया तो 9 हो जाएंगे, माइनस का निशान लगा दिया तो 0 हो जाएंगे, पर प्लस माइनस इनटू भागा अगर सबको हटा दिया जाए, दोनों को एक साथ अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो 33 हो जाता है। भाई भाई भी 33 हो, अरे 3 और 3 6 अगर कर डाला तो कोई खास बात ना हुई, 3 और 3 33 बना डाला, इसी का नाम जीवन की जीत है, इसी का नाम जीवन की जीत है। ये महामंत्र नवकार है। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष रहता है, मैं कहना चाहूंगा कि वास्तु दोष अगर आपके घर में है, मैं नहीं जानता कि अगर वास्तुविद आपके घर पर आते हैं और वो कहते हैं अमुक जगह बाथरूम तोड़वा दो, अमुक जगह कुआं खुदवा दो, अमुक जगह से गटर हटवा दो, वास्तुविद आते हैं आपकी फैक्ट्री में 10 तरह की तोड़ भांग कर देते हैं, आपके मकान में 20 जगह खोदा खादी करवा देते हैं। मैंने आज तक कई लोगों से पूछा है कि भैया तूने इतना तोड़ा तोड़वी करवाया, क्या तुम्हारे घर में इतना तोड़ फोड़ करवाने से कोई फायदा हुआ? बोले साहब, उन्होंने कहा हमने कर लिया, अभी तक कोई फायदा तो नहीं हुआ। मैं पूरी दुनिया से कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वे तोड़ फोड़ करने से पहले बेहतर होगा कि 2 में से 1 प्रिंसिपल अपना लीजिए, और पहला प्रिंसिपल यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर पर कोई ऊपरी बाधा है।